तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में आज जो है चर्चा करने वाले हैं, और इस पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे जो कि मौजूदा समय पे इस पर क्या चल रहा है वह जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सभी को पता है कि हम कौन से रेलवे लाइन पर बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, सदनवाद दोरीघाट नई रेलवे लाइन। सबसे पहले आप लोग लोकेशन देखिए कि आखिरकार जो रेलवे लाइन जो बन रही है भाई, स्थित कहाँ है और कौन से स्टेशनों के बीच में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं दिखाने के लिए आपको। देखिए सदनवा दिख रहा होगा आपको, और सदनवा जो है ना एक तरफ गोरखपुर है और दूसरे तरफ जो है यह रेलवे स्टेशन है ना गोंडा जंक्शन और गोरखपुर जंक्शन के बीचों बीच में पड़ता है, या खलीलाबाद जंक्शन। और खलीलाबाद के बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सदनवा दिख रहा होगा आप सभी को। तो सदनवा से ही हमारी रेलवे लाइन जो है निकलने वाली है, और आप देखेंगे कि सदनवा से इसको कनेक्ट जो किया गया है ना भाई आगे में, वह किया गया है दोहरी घाट के बीच में। और वहीं आप सब कहेंगे कि जो दोहरी घाट है ना, दोहरी घाट एक्चुअली मऊ जंक्शन के आगे जो है इसको स्थित किया गया है। अब इस पर भी काम चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर दोहरी घाट से लेकर जो दारा जंक्शन तक का जो सेक्शन है यहाँ पर गेज कन्वर्जन किया जा रहा है, और इसको छोड़िए। और हम जो आ रहा जो आज का रूट है मतलब सजनवा से लेकर दोहरी घाट के बारे में आज पूरी अपडेट जो है जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि रूट कितने किलोमीटर का है। तो देखिए जो सदनवा दोहरी घाट वाला रूट है ना भाई, यहाँ पर लगभग लगभग जो 65 किलोमीटर का सेक्शन है आप देख रहे हैं दोहरी घाट से सदनवा कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ न्यू लाइन, जो कि लगभग दो स्टेशन है सदनवा दोहरी घाट और 65 किलोमीटर का टोटल सेक्शन है, और इस पर काम अभी चल रहा है। फिलहाल काम अभी पूरा हुआ नहीं है, और ऐसे में कार्य को शुरुआत किया गया है और आने वाले समय में यह कार्य आपको पूरा होता हुआ नजर जो है आएगा। और यह रहा लोकेशन, गोरखपुर जंक्शन से बिल्कुल बगल से निकलती है रेलवे लाइन सदनवा, और सदनवा से सीधा कनेक्ट कर दिया गया है भाई दोहरी घाट को। दोहरी घाट से आगे सीधा निकल जाएगी इंदारा जंक्शन में, और इंदारा जंक्शन के बाद यह रूट से क्या हो जाएगा कि अगर आप गोरखपुर से भाई मऊ जंक्शन जाना चाहते तो आपको जो है ना अभी कौन सा रूट है चौरी चौरा होते हुए आप भटनी जंक्शन जाएंगे, भटनी जंक्शन से आप आएंगे मऊ जंक्शन, और वहीं अगर आपको भाई गोरखपुर जंक्शन से शाहगंज जाना हुआ तो आप या तो भाई गोरखपुर जंक्शन से जाएंगे सीधा जो है यहाँ पर गोंडा जंक्शन, और मनकपुर जंक्शन जो कि अयोध्या कैंट होते हुए आप जो है इस रूट पर वापस आएंगे। मतलब अगर आपको गोरखपुर की तरफ से आना है ना भाई अगर मऊ जंक्शन की तरफ में, तो आप मनकापुर फिर अयोध्या कैंट वहाँ से बाईपास होते हुए शाहगंज आजमगढ़ उसके बाद जो है पहुँचेंगे मऊ जंक्शन की तरफ में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सीधा रोड बनने से आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उसको बनाने को लेकर काम अभी किया जा रहा है। फिलहाल यह तो हो गया अब वह अपडेट जो कि आपको ज़रूरी था कि लोकेशन आखिर कौन सी है। अब जानेंगे कि इस पर चल क्या रहा है मौजूदा समय में। तो देखिए सदनवा दोहरी घाट लाइन परियोजना पूर्ण होने के बाद क्षेत्र का पिछड़ापन जो है दूर हो जाएगा, और क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों से ही विकास जो है संभव किया जा सकता है। सदनवा दोहरी घाट रेल परियोजना भूमि अधिग्रहण करने के लिए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद अपने कार्यालय में चीफ इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जो है काफ़ी पहले दिया था। और बता दें गोरखपुर जनपद की 4 तहसील के 104 गाँव और मऊ के 7 गाँव से जो है इस रेलवे लाइन से गुजार के दोहरी घाट पहुँचने का लक्ष्य जो है रखा गया है, और 2003 वर्षों में इसको पूरा करने का फिलहाल अभी लक्ष्य रखा गया है। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समयबद्ध तरीके से भूमि अर्जन की कार्य को पूरा किया जाए, इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा 50 करोड़ रुपए जिन किसानों का जमीन रेलवे लाइन में पड़ेगा उनको देने के लिए अवमुक्त किया गया था। रेलवे लाइन बनने से गोरखपुर से बनारस की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही लखनऊ बलिया छपरा दिल्ली समेत अन्य महानगरों के लिए सीधी रेल सेवा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। सदनवा दोहरी घाट में भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अधिग्रहित होने वाले कुल 111 गांवों में से 109 गांवों में भूमि अधिग्रहण के कागजात जमा कराए जा चुके हैं। 104 गांवों में करीब 483.78 हेक्टर और गोरखपुर और 7 गांवों में करीब 43.22 हेक्टर मऊ जिले में इसकी भूमि जो है आ रही है। मतलब गोरखपुर में 483.78 हेक्टर और जो कि इसमें 104 गाँव है गोरखपुर के अंडर में, और मऊ में 7 गांव आते हैं जिसमें करीब 43.22 हेक्टर की जमीन जो है ली जा रही है। तेजी से अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है अभी मौजूदा समय में की जा रही है। हालांकि दोस्तों जो रिपोर्ट बताती है कि अभी भी पूरी तरह से जो कि
भूमि अधिग्रहण के बाद जो जमीनी की राशि होती है लोगों को प्राप्त नहीं हुई है किसानों को, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। तो देखिए सदनमा दोहरी घाट जो रेल लाइन परियोजना है इसके 3 चरण में ट्रैक बिछाने का काम जो है पूरा किया जाएगा। अब 3 ट्रैक कौन से होने वाले आपको बताते हैं, और आपको बता दूं कि जो पहला ट्रैक है लगभग मार्च 2024 में पूरा जो है किया जाना है, तो जिस पर अभी काम अभी चल रहा है। तो देखिए सदनमा दोहरी घाट नई रेलवे लाइन 4 साल में बिछा दी जाएगी। यह प्रोजेक्ट जो है ना 3 चरण में अपने पूरा होने वाला है, तो 3 अलग अलग चरणों में पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है। तो पहला फेज है मार्च 2024 तक पूरा कराने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसमें सजानवा से बदौली जो कि सजानवा से बदौली तक 27 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और यह काम पूरा होने के बाद इसके दूसरे फेज का काम मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा, और इसमें से बदौली से गोला बाजार तक 29 किलोमीटर के सेक्शन में पटरियाँ बिछाई जाएगी। तीसरा और अंतिम फेज का जो काम है वह मार्च 2026 में पूरा कर लिया जाएगा, और इसमें गोला बाजार से लेकर न्यू दोहरी घाट तक 25.5 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे लाइन बिछाए जाने का महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर काम में काफ़ी तेजी आ रही है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में 17 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सदनमा दोहरी घाट नई रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई थी। कैबिनेट ने 1320 करोड़ का बजट भी जो है इसके लिए स्वीकृत किया था। तो देखिए थोड़ा सा बजट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई नई रेलवे लाइन है तो इस पर काम काफ़ी बेटर किया जा सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पहल पर जमीन निगरान की प्रक्रिया जो है पहले से तो काफ़ी ज़्यादा तेज की जा सकी, जिसकी वजह से काम में काफ़ी तेजी आई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इस रूट पर जो काम हो रहा है, तो देखिए आपको जनरली आपको पता होगा कि देश में वंदे भारत चल रही है या बुलेट ट्रेन चल रही है, तो भाई इनको चलाने को लेकर ना का प्रयास तो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा वंदे भारत 160 से 220 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, तो ऐसे में ट्रेनों का होना नहीं बल्कि दोस्तों जो पटरियां होती है उनका भी बेहतर होना जरूरी है जिस पर यह ट्रेनें दौड़ती है। तो ऐसे को इसको देखते हुए सदनमा दोहरी घाट 81 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर जो है ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जो है दौड़ाई जा सकेगी, क्योंकि इस पर मजबूत पटरी और डिस्टेंस सिग्नल के साथ रेलवे लाइन पर बिजली के तार भी बिछाए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यह रेलवे लाइन कितने गाँव से ऊपर जाएगी। देखिए सदनमा दोहरी घाट जो नई रेल लाइन है ना गोरखपुर और मऊ जिलों के बीच आती है, जिसमें से 111 गाँव से होकर गुजरने वाली है। अब इसी के पहले आपको बताया है कि भाई गोरखपुर में 104 गाँवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेल लाइन बिछाने के इन गाँवों की 359 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जो है किया जाना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने जिला प्रशासन को चिन्हित भूमि का अभिलेख सौंप दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने अपना अधिग्रहण का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि सदनमा दोहरी घाट जो प्रोजेक्ट है ना 3 चरण में होने वाला है। पहला फेज सदनमा से बेदौली तक दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है और पूरा होने का समय लगभग 2024 तक है। दूसरा फेज आएगा बेदौली से गोला बाजार तक जो कि 29 किलोमीटर का सेक्शन है, और इसको मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। और तीसरा और आखिर जो फेज आता है वह गोला बाजार से न्यू दोहरी घाट जो कि 25.5 किलोमीटर का सेक्शन है, पूरा होने में तकरीबन इसको मार्च 2026 तक का जो समय है लगने वाला है। तो देखिए 3 चरण में काम को पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है, और तीनों चरण में काम लगभग 2026 तक पूरा करके आम जनता के लिए ओपन जो है किया जा सकेगा। और ज़मीन अधिग्रहण की बात है तो लगभग 1320 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी ज़मीन ली जाएगी उसको मौजूदा समय में रेलवे लाइन के जो कि मौजूदा समय में जो रेट गवर्नमेंट दे रही है उस रेट पर आपको आपकी भूमि की वैल्यू जो है दी जाएगी। और आपको बता दूं कि इसमें से जो 104 गांव है दोस्तों वो गोरखपुर के अंडर में भी आते हैं, जिसमें से सदनमा खजनी अम्बास गांव और गोला तहसील के है। किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया जो है शुरू की जा चुकी है। जिला अधिकारी और रेलवे अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि तहसीलों की टीम दिन रात मेहनत करके जल्द से जल्द जो जमीन अधिग्रहण की एक बड़ी प्रक्रिया होती है इसको पूरा किया जा सके। समय से जमीन मिल गई तो रेलवे 3 साल में रेलवे लाइन का काम जो है पूरा कर देगा। देखिए कोई प्रोजेक्ट में अगर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होता है तो निश्चित रूप से वह काम जो है काफ़ी तेज गति से किया जा सकता है, क्योंकि लैंड ऑक्यूपेशन ना होने के कारण काफ़ी प्रोजेक्ट जो है अटक जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला हो या कोई जू वगैरह आ रहा हो या कोई बड़ा हिस्सा जो है जा रहा हो आबादी का, तो ऐसे में भूमि अधिग्रहण करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो और यहाँ पर जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों को सत्यापन का काम जो है शुरू किया गया है। सदनमा दोहरी घाट नई रेलवे लाइन परियोजना का इंतजार कई वर्षों से क्षेत्र की जनता को है। इस रेल लाइन के बन जाने से वाराणसी एवं बिहार के लिए एक नया मार्ग रेडी हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता वाली योजना के कारण केंद्रीय स्तर से भी इसकी निगरानी जो है की जा रही है। और आपको बता दूं कि इस रेलवे लाइन के लिए करीब 1320 करोड़ रुपए की बड़ी लागत से जो है इसका निर्माण होना है, जिसके लिए इसको फंड में जो एक वैल्यू है इसको निकाल के दी गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा था कि जमीन के अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं आई। गोरखपुर और मऊ जिले में लगातार 535 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिस पर काम शुरू करवाया जाएगा। रेलवे द्वारा दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच सभी गांवों को गाटा संख्या, किसानों का नाम और आदि का विवरण जो है जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। देखिए किस जमीन की कितनी एकड़ भूमि जा रही है, उस हिसाब से इसको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि जो रेलवे विभाग था उसमें से रेलवे विभाग के मुताबिक आप लोगों की जितनी ज़मीन है उसका लगभग 75% पैसा जो है गवर्नमेंट पे करता था। हालांकि इस समय भारतीय रेलवे के कुछ इसमें वगैरह चेंजेस किए जा चुका है। पहले दोस्तों अगर आपकी लैंड ऑक्यूपेशन जाता था तो इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती थी भारतीय रेलवे में, मगर 2019 में चेंजेस करके इसमें जो है आपको भूमि अधिग्रहण के पैसे ही दिए जाने की बातचीत निकल कर आती है। तो रेलवे द्वारा दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच, जो कि लगभग एक साल से ज़्यादा का समय था, इस बीच सभी गांवों के गाटा संख्या, किसानों का नाम आदि का विवरण जो है जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। और जो जमीन अधिग्रहण के लिए 50 करोड़ रुपए भी दिया गया था। बैठक में शामिल पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्यंता इंजीनियर निर्माण कृष्णा सिंह ने बताया कि परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जल्द ही एजेंसी का चयन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी तहसील के SDM तहसीलदार के जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने का दिशा निर्देश लगातार दिया जा रहा है। बैठक के दौरान गोला के FDM रोहित मौर्य भी समेत दोस्तों मौजूद थे। सदरमा से दोहरी घाट के बीच बनने वाली रेलवे लाइन पर करीब 1320 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। इस पर 10 बड़े पुल जो है बनाए जाएंगे, जो कि सरयू नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल भी जो है इसी के अंडर में बनने वाला है। 47 छोटे पुल और 15 अंडरपास भी जो है इसमें बनाए जाने वाले हैं। इस रेल लाइन पर 2 रेल ओवरब्रिज भी निर्माण इसका किया जाएगा। इस लाइन पर चलने वाली ट्रेन लगभग 12 स्टेशनों से होकर गुजरेगी, इसमें से 4 जो रेलवे स्टेशन है वाइना व हॉल्ट रेलवे स्टेशन भी होने वाला है। हालांकि 2 नाम ही काफ़ी ज़रूरी है। और देखिए लगभग इसमें 111 गाँव से होकर गुजरने वाली है, तो 104 गाँव गोरखपुर के अंडर में, बाकी 7 गाँव आते हैं भाई व मऊ के अंडर में आती है। इस पर काम अभी शुरू हो चुका है। अब आपका काम, गवर्नमेंट का काम लगभग होने वाला है, क्योंकि आपको नए साल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और इसके लिए और भी फंड जो है प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट से बड़ा बजट जो है जारी किया जाएगा, जिसमें से इस रेलवे लाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट निकाली जा सकती है। फिलहाल सदनमा दोहरी घाट के ऊपर यही लेटेस्ट अपडेट है, जिस पर अभी काम शुरू हुए और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू है ही। पूरी तरह से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ रेट्स वगैरह को लेकर किसानों का मुद्दा भी थोड़ा गर्माया था। हालांकि इस मैटर को गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। आने वाले समय में सदरमा दोहरी घाट से जुड़ी तमाम अपडेट आपको लिए लाएंगे। और आने वाले समय में दोस्तों खलीला बहराइच वाला जो रूट है इस पर भी अपडेट आएगा, और साथ ही साथ में ना आपको जो है दूसरा जो रूट जो कि मऊ से लेकर बलराम और पुर वाला जो रूट है, सभी का अपडेट जो है आने वाले। फिलहाल धन्यवाद, वंदे मातरम, बाय एवरीबॉडी।